ये भाई जो है शरीर को टुक रहा है। ये इन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है उमर फरूख स्टार। माशाल्लाह इनका इनके जो है तकरीबन 1500, 1600 या 1700 इतने कितने सब्सक्राइबर हैं। और इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इन भाई से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या सुनाएं, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। और अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट, हाँ ठीक हूँ। बताएं आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। मैंने ये जो ट्रिक इस्तेमाल किया है वो है ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो अपलोड करना, और यानी कि डेली बेस पे वीडियो अपलोड करना। तो इस तरह से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। तो अब यानी कि 2023 में तो फिर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करेगा उसको यानी कि उसकी ज़्यादा अर्निंग होगी, बहुत वो पैसे कमा सकेगा। तो यूट्यूब यानी कि उनको अब जो शॉर्ट वीडियो करते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, उनका ज़्यादा साथ दे रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो अपलोड करें, अच्छी वीडियो अपलोड करें, दिलचस्प वीडियो जो भी देखे वो यानी कि सही देखे। अगर बार बार देखेगा अच्छी वीडियो होगी, वो कहेगा थोड़ी सी वीडियो है यानी कि इसको देख लूँ। तो इस तरह से आपकी जो है ना चैनल की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो वो यूट्यूब आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सजेशन में डालेगा, तो इस तरह से आपके लातदाद व्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है आपके मिलियन भी हो जाएं। मतलब ये कि आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। और लॉन्ग वीडियोज़ के मतलब आप क्या कहेंगे? लॉन्ग वीडियो का यही है कि अच्छी वीडियो डालें, यानी कि वीडियो जो है उसका कंटेंट अच्छा हो, मुकम्मल वीडियो यानी कि सही हो, यानी कि जो भी व्यूवर देखे उसका टाइम ज़ाया ना हो, यानी कि टाइम उसका वेस्ट ना हो। इस तरह की वीडियो डालें कि उसका फ़ायदा हो जाए। तो कोशिश करें कि अच्छी वीडियो किसी का फ़ायदा हो जाए आपकी वजह से, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो जो भी ट्रिक को आप बताएं यूट्यूबर जो जितने भी भाई हैं यूट्यूब पर होते हैं, यानी कि उनका फ़ायदा होना चाहिए, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, एक मिनट भी बहुत कीमती होता है। तो कोशिश करें कि जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो वो बेस्ट हो, यानी कि उसका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो अब मैं बताऊंगा कि आप थंबनेल आपने किस तरह से लगाना है। अक्सर जो होते हैं उनको थंबनेल लगाने का पता भी नहीं है, वो बस ऐसे ही अच्छी वीडियो होती है अपलोड कर देते हैं, तो उनको थंबनेल जो है लगाने का नहीं पता होता। तो आपने वाइट स्टूडियो में जाना है, उधर आपने थंबनेल उधर आप आसानी से लगा सकते हैं। आपने टाइटल भी जो लगाना है वो भी आप यानी कि वाइट स्टूडियो में लगाएं, और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपने वाइट स्टूडियो में लगाना है। ये मैं आपको यानी कि एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो अक्सर यूट्यूबर को इस बात का पता भी नहीं है कि वो कोशिश करते हैं कि ये क्या सिस्टम है, क्यों नहीं थंबनेल लग रहा, तो वाइट स्टूडियो में आसानी से लग सकता है। और थंबनेल बनाने के लिए डॉक्टर ने आप ये थंबनेल बोला हाँ चल। अच्छा यार, ये हबीबुल्ला मुझे कह रहा है कि वो है वो थंबनेल किस तरह से लगाया जाता है यूट्यूब पर, यानी कि आप थंबनेल किस तरह से बनाते हैं। तो मैं जो है वो पिक्सल लैब इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि वो जो पट्टियाँ वगैरह लगाने और पिक्चर लगाने वो बहुत ही अच्छी ऐप है पिक्सल लैब ऐप। तो इस तरह से यानी कि आपकी अच्छी यानी कि थंबनेल बन सकता है अट्रैक्टिव किस्म का खूबसूरत। तो आप जो है जो उस पर उर्दू लिखनी होती है वो आप स्टाइलिश यानी कि फॉन्ट्स ढूंढ लें जो है प्ले स्टोर से या गूगल से, जिधर से भी आपको आसानी हो सके। तो वो आप फिर उसको सेव करके जो है पिक्सल लैब में आप पट्टियाँ वगैरह लगा के पिक्चर वगैरह जो इंग्लिश लिखनी होती है वो उस स्टाइलिश मटैलिश करके उसको चमका के अच्छा खूबसूरत बना के, तो आप फिर यानी कि उसको सेव कर लेंगे और फिर स्टाइलिश ऐप में जाएंगे और स्टाइलिश फॉन्ट्स की मदद से आप एक अच्छी उर्दू लिख सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।